हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ द स्वादिष्ट जर्नी। आज ये हमारा, आप सबको पता है, हमारा ये ब्लॉग चल रहा है कश्मीर का, श्रीनगर के अंदर। हम लोग ये अपने गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं। एक बार मैं आपको गेस्ट हाउस का टूर करा देता हूँ। ये देखो, ये मैं एक्चुअली गार्डन में खड़ा हूँ गेस्ट हाउस के। ये इतना बेहतरीन गार्डन है भाई, देखो पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी है। कश्मीर यूनिवर्सिटी का गेस्ट हाउस है ये सामने जो है ना, ये हमारा गेस्ट हाउस है पूरा। ये पूरा गार्डन है ये, और पीछे लेफ्ट राइट इधर पूरा यूनिवर्सिटी है। ये स्टूडेंट्स वगैरह सब आ रहे जा रहे हैं। सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, सब अपने स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज स्कूल वगैरह। और ये हम लोग जो है भाई निकल रहे हैं घूमने के लिए। आज हमारा प्रोग्राम है, आज हम जा रहे हैं पहलगाम। पहलगाम श्रीनगर से करीब करीब 100 किलोमीटर्स के अराउंड है, तो बाय रोड हमको करीब 3 घंटे के आसपास लगने वाले हैं। तो वहाँ पर एक्चुअली है क्या प्रॉब्लम पता है? यहाँ पर कश्मीर में प्रॉब्लम ये हो गई है कि यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है इस बार। पता है, ऐसा लग रहा है कि पूरे इंडिया के टूरिस्ट यहाँ पर आ गए हैं। तो बहरहाल हमने ये सोचा कि भाई चलो अब ज़रा श्रीनगर से बाहर निकला जाए। तो हम लोग जा रहे हैं पहलगाम। पहलगाम यहाँ से हम लोग बाय रोड निकलेंगे। हमारी कैब भी आ चुकी है, सामान गाड़ी के अंदर रख दिया है। बस हम रेडी हैं। प्रॉबेबली अराउंड लाइक इन 5-10 मिनट के अंदर हम लोग निकल जाएंगे। और अभी बज रहे हैं 8, सुबह के 8 बज रहे हैं। तो हम लोग करीब करीब 10-10:30 तक पहुंच जाएंगे वहाँ पर। और वहाँ पर आपको इतना, मतलब ये है कि एक्सपेक्टेशन ये है कि वहाँ पर सुकून होगा, मतलब बहुत ज़्यादा रश नहीं होगा जैसा कि श्रीनगर में है। बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं होगी और वादियों के मज़े लेंगे। वहाँ पर दो वादियाँ हैं, दो वैलीज़ हैं, एक तो आरू वैली और एक है बेताब वैली। बेताब वैली वो है जिसके अंदर बेताब मिस्टर सनी देओल जी की बेताब फिल्म की शूटिंग हुई थी वहाँ पर। तो ये दो वैली है। और कुछ कहते हैं कि वहाँ पे दूध पत्थर टाइप भी कोई एक चीज़, एक जगह है जहाँ पर ऐसा पानी बहता है, मतलब जैसे नहर टाइप होता है। तो बहुत ही खूबसूरत है, पूरा कवर करेंगे श्रीनगर से लेकर पहलगाम तक का पूरा जो ट्रिप है, रोड ट्रिप। और बीच में अगर कहीं रुके कुछ खाने पीने के लिए या जो भी, हम लोग ब्रेक लेंगे, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, तो ब्रेकफास्ट भी हम ऑन द वे ही करेंगे। तो वो भी कवर करूँगा इंशाल्लाह मैं। और होप आप लोगों को ये वीडियो मज़ा आए। एंड अनफॉर्चुनेटली आज हमारा लास्ट दिन है, और तो कोशिश करेंगे कि भाई ये पहलगाम का ट्रिप बढ़िया रहे, क्योंकि प्रोग्राम था करीब करीब 6-7 दिन का कश्मीर में रहने का, बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया किसी वजह से ना। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे, बट इस बार सिर्फ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर नहीं कर पाए हम लोग। बट कोई बात नहीं यार, जितना भी हुआ होप आप लोगों को मज़ा आए। और कल सुबह हम लोग निकलेंगे यहाँ से, तो एक कल आप लोगों से एक बार फिर से मैं रूबरू रहूँगा इंशाल्लाह। तो चलिए गाइस निकलते हैं पहलगाम की तरफ। बाय रोड ट्रिप करीब करीब 3-3.5 घंटे का रास्ता है, तो रेडी टू गो। एक बार यार गेस्ट हाउस देख लो, कितना खूबसूरत है यार, मतलब ग्रीनरी ही ग्रीनरी, झाड़ों से पूरा ग्रीनरी से कवर्ड है सामने। मतलब यह घर वगैरह भी है यहाँ पर, मतलब ये पूरा यूनिवर्सिटी का एरिया है, कश्मीर यूनिवर्सिटी का एरिया है। कॉमनली मतलब कोई यहाँ पर आ नहीं सकता, जैसे मान के चले यूनिवर्सिटी का कोई इंसान है तो ही यहाँ पर आ सकते हो। अब लाइब्रेरी वगैरह, ये तो सामने लाइब्रेरी है। एक बार जूम करता है, शायद दिख जाए। काफ़ी पेड़ों के पीछे है जिससे पता नहीं चल रहा। लाइब्रेरी वगैरह है, ये सारे स्टूडेंट्स अपने स्कूल जा रहे हैं। और ये गेस्ट हाउस है, सिर्फ यूनिवर्सिटी वालों के लिए ही होती है। सो हियर वी गो, वी आर ऑफ टू पहलगाम। ये गेस्ट हाउस यूनिवर्सिटी एरिया से हम लोग बाहर निकल रहे हैं। काफ़ी बड़ा एरिया है भाई ये देखो। अभी भी हम लोग अंदर, ये मेन गेट आ रहा है सामने, सामने पहाड़ वगैरह देख रहे हो भाई, माउंटेन्स, क्या जबरदस्त है, व्हाट अ व्यू।
तो ये गैस यहाँ पर हम लोग हाईवे पे रुके हैं, एक मिलिट्री का कॉनवॉय एक्चुअली निकल रहा है यहाँ पे ना, तो आई गेस निकल चुका है, तो उस वजह से पूरा ट्रैफिक जो है एक जगह पर ब्लॉक। सो हियर वी आर बैक टू एन रोड टूवर्ड्स पहलगाम। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है यार यहाँ पर ना, मतलब जैसे कॉनवॉय निकल रहा तो कैमरा नहीं निकाल सकते, शूटिंग नहीं कर सकते, उसके बारे में बात नहीं कर सकते, थिंग्स आर वेरी टफ हो गई है। मतलब एटलीस्ट कम से कम ये जब से 35A हट गया है जब उसके बाद से तो चीज़ें काफ़ी रिलैक्स हो गई है कश्मीर के अंदर, बट फिर भी आर्मी है तो भाई यू नो यू हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स, कोई भी मतलब चूक नहीं हो सकती। बट एनीवे हम लोग अपने सफ़र की तरफ शुरू हो चुके हैं भाई, हेडिंग टुवर्ड्स पहलगाम राइट नाउ। एक बार यार खूबसूरत नज़ारे देखो यार, जस्ट लुक एट दिस पहाड़। एक्चुअली थोड़ा क्लाउडी है इस वजह से पहाड़ साफ दिख नहीं रहे, थोड़ा सा जूम करके देख रहे हैं, मे बी पहलगाम जाने के बाद थोड़ा बहुत कुछ देखे। तो चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं इसको। ये है यहाँ पर सैफ्रॉन की खेती होती है भाई, देखो अभी तो कुछ भी नहीं है बट फिलहाल ये बता रहे सितंबर में, ठीक है भाई सितंबर में होता रहे, हाँ 40 साल तक गारंटी है, 40 साल तक गारंटी सैफ्रॉन की, क्या ओरिजिनल सैफ्रॉन की गारंटी है 40 साल तक। ये सारी जितनी भी लाइंस हैं सारी केसर की शॉप्स हैं, मतलब पीछे जो हमने देखा वो केसर के खेत थे और वही जो खेती करते हैं केसर की सैफ्रॉन की उनकी शॉप्स हैं यहाँ पर, लाइंस सब लगी हुई है यहाँ पर। जाते हुए ये सिफर करके एक रेस्टोरेंट है, वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट हमारे ड्राइवर ने बताया सज्जाद भाई, यहाँ पर रुकेंगे तो 2 मिनट बोल रहे थे, चलिए आज ही आ जाओ भाई। सो हियर वी आर एट दिस रेस्टोरेंट, इट्स कॉल्ड सिफर रेस्टोरेंट, पहलगाम से करीब करीब 20-30 किलोमीटर्स पहले ही है ये, वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट्स में एक है यहाँ पर ना इस एरिया में, तो हमारे ड्राइवर साहब ने यहीं पर रोका है सज्जाद भाई ने। तो यहाँ पर हमने काइंड ऑफ बेसिक ही ऑर्डर, एक्चुअली ब्रेकफास्ट नहीं किया था होटल से निकलते वक्त, तो सोचा यहाँ पर ब्रेकफास्ट करेंगे चाय वगैरह लेंगे, लेकिन चाय और ब्रेकफास्ट है नहीं यहाँ पर, तो बेसिक कैपेचिनो वगैरह ले लेंगे, एस्प्रेसो कैपेचिनो वगैरह, तो उससे थोड़ा मतलब पूरा दिन चल जाएगा आराम से, ये ना कि सुबह चाय ना मिले तो फिर यार मज़ा ही नहीं आता। कुछ खास ज़्यादा ऑर्डर नहीं किया, बेसिक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है और एवरग्रीन दाल मखनी माखी दाल और नान, तो एक बार आ जाए तो आपको दिखाते हैं, देन फिर यहाँ से खाने के बाद अपना सफ़र शुरू करते हैं। और माखी दाल काली दाल ये देखो, ये दाल है, ये रोटी है, देखने में तो बहुत ही यम्मी लग रहा है, पिज़्ज़ा इनका बहुत ज़बरदस्त है, कैपेचिनो अमेजिंग है। चलिए गाइस इसको खाते हैं, ख़त्म करते हैं एंड देन फिर आगे की जर्नी शुरू करते हैं, मिलते हैं आपसे, आप लोगों से आगे बात करेंगे। ओके गाइस
सो फाइनली अपना पहलगाम अपने स्टॉप पर पहुंच गए हम लोग पहलगाम। और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है भाई यहाँ पर, इतना खूबसूरत यार। इधर आए और पानी में ना उतरे, ऐसा हो सकता है? अरे एक मिक्स इस तरफ आ जाओ, इस तरफ पानी की तरफ। क्या भाई कहाँ जा रहे हो भाई? पानी में जाना है, कहाँ जाना है? पानी में, पानी में, पानी तो जूते 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 ही उतार दो भाई। ठंडा पानी, ठंडा चिल्ली चिल्ली पानी, आराम से आराम। भाई इससे बेटर तो कुछ भी नहीं है। वाह खूबसूरत लग रहा है भाई ये पहाड़, सच एन अमेजिंग व्यू यार। तो पानी इतना चिल्ड है भाई, एकदम ठंडा ठंडा पानी है भाई। वैस कश्मीर आकर आप सोनमर्ग गुलमर्ग तो आप मोस्ट प्रॉब्ली हर कोई जाते ही है, बट अगर कश्मीर अगर पहलगाम नहीं देखा ना भाई तो कुछ नहीं देखा। यहाँ अगर आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हो, होटल्स वगैरह यहाँ पर रहने वहने की जगह सब एकदम बेहतरीन तरीके से है, एक दिन दो दिन। और ये है कि आपको जैसे कश्मीर श्रीनगर से आपको यहाँ पर आना है तो अपनी खुद की टैक्सी अगर आपके पास है या फिर अपनी खुद की गाड़ी लेकर आ सकते हो, बट अमेजिंग लाइक वंस इन लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस आप यहाँ पर आकर ले सकते हो भाई। ऐसा है मतलब पहलगाम इज़ बेस्ट, पैसा वसूल है भाई, पैसा वसूल ट्रिप है, तो इट्स अमेजिंग यार। तो यहाँ अगर आप आ रहे हो तो आपको लगेगा कि हाँ भाई सही जगह आप निकले हैं घूमने फिरने के लिए, तो इट्स अमेजिंग यार। आई मीन बहुत ही बेहतरीन है, क्या एकदम सुकून वाला वातावरण है यहाँ पर। देखो तो सही यार, मतलब ऐसा लगता है कि बस यहीं पर रुक जाओ, यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी दुनिया का सुकून यहाँ पर है। आई मीन ऑब्वियसली और भी जगह हैं, और भी प्लेसेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पर आपको मज़ा आएगा, बट दिस इज़ मच बेटर, वेरी नाइस। कहते हैं ना कि भाई इंडिया दुनिया के अंदर अगर जन्नत है तो कश्मीर के अंदर है, तो वाकई में ये जन्नत ही है भाई। ये यहाँ पर पहलगाम पहुँचे हैं दोस्तों, लोग यहाँ पर पता चला अगर कि जो कैब हम लेकर आए थे श्रीनगर से, तो वो कैब आगे बेताब वैली और आरो वैली नहीं जाएगी, तो यहाँ से जो है दूसरी कैब लेनी पड़ी है अलग से, जो यहाँ की यूनियन की कैब है उसके अंदर हम लोग पहले जाएंगे आरो वैली, उसके बाद होगा बेताब वैली। बेताब वैली अंदर बता रहे हैं बहुत ज़्यादा रश है, मतलब टूरिस्ट का मतलब भीड़ तो भाई यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है। जैसे होते हैं ना जैसे इंडिविजुअल लोग हैं तो वो घोड़े वगैरह पे चले जाते हैं, बट जैसे फैमिली वगैरह हैं कई सारे लोग हैं तो वो लोग कैब वगैरह में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो भाई बस एक ही गाड़ी में बैठे बैठे एंजॉय करेंगे व्यू, देखो क्या खूबसूरत व्यू है। तो ये भाई हमारे भाई साहब हमारे ड्राइवर हैं, क्या नाम भाई साहब आपका? वसीम भाई, थोड़ा कुछ बताओ यहाँ के बारे में, पहलगाम के बारे में। सोनमर्ग और गुलमर्ग तो जाते ही है, जो कस्टमर आते हैं ना सर, जो सोनमर्ग और गुलमर्ग घूम के आते हैं वो बोलते हैं कि हम अगली बार आएंगे खाली पहलगाम का ट्रिप करेंगे। कुछ देखने के लायक नहीं है जो पहलगाम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पॉइंट है, कितने भी लोग आए दिखते नहीं है, मतलब कितने भीड़ आ जाए पता नहीं चलता, कहाँ पता नहीं चलता है कि कहाँ कौन कहाँ है। श्रीनगर के अंदर थोड़ी सी भीड़ होती है, बहुत सारा लगता है कितने लोग हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। और यहाँ पे आरो वैली में आपको कैंपेनिंग मिलेगी, कैंपेनिंग कर सकते हैं, नाइट स्टे करना हो तो कैंपेनिंग कर सकते हैं। हां कैंपेनिंग का 450 उसमें बुकिंग, और आपको उसमें डिनर भी मिल जाएगा। अच्छा, और ये ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, होटल से भी बेटर है। आप कितने टाइम से हो यहाँ पे? हमारी आरो वैली की ट्रिप शुरू हो गई, ये देखो व्यू।
और राफ्टिंग का बताया था हमारे भैया ने, हमारे जो ड्राइवर है जो श्रीनगर से लेकर आया ना। ये देखो भाई, सच एन अमेजिंग व्यू यार, हू वुड लाइक टू मिस दिस? नो वन भाई। कभी भी कश्मीर अगर आना हो, कुछ भी मिस करना, लेकिन पहलगाम बिल्कुल मिस मत करना। सोनमर्ग, गुलमर्ग एंड ऑल अदर प्लेसेस सब अपनी जगह पर है, बट ये पहलगाम, पहलगाम में भी बेताब वैली और आपका आरू वैली, दिस टू प्लेसेस आर मच अवेटेड टू विजिट एक्चुअली। सो जब भी आओ यहाँ ज़रूर आना। पहलगाम अगर अगर आप चाहो तो अपनी खुद की कैब भी कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो उससे घोड़े से भी जा सकते हो, विच एवर मेक्स कम्फर्टेबल टू यू। सो दिस इज चंदन भाई। Finally at the Aru Valley, just look at the view. ये है वैली, दिस इज द वैली राइट इन द बैक जो दिख रहा है ना अपने को, आरू वैली है भाई। इतना मस्त और खूबसूरत वेदर हो रहा है, मन कर रहा है कि बस यहीं रहे। रात को तो और ठंडा हो जाएगा यहाँ, अभी इतनी ठंड है तो रात में तो और भी ज़्यादा ठंडी हो जाएगी भाई। क्या कहना यार कि मंजिल से ज़्यादा सफ़र सुहाना होता है, तो मंजिल पे, मंजिल तक पहुंचने के लिए ही सफ़र इतना खूबसूरत है। आप पहलगाम से आरू वैली आ जाओ, या फिर यहाँ से आप बेताब वैली चले जाओ, या श्रीनगर से पहलगाम आ जाओ, तो जो सफ़र है ना भाई, वही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप मंजिल पे पहुंचने के बाद तो आपको चीज़ें मिलेंगी, लेकिन जो सफ़र आप एंजॉय करोगे ना, वही ज़बरदस्त है भाई। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हैविंग दिस ट्रिप। सो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट आप इसमें कभी आपका पहलगाम प्रोग्राम पड़े तो पहलगाम जरूर आइएगा। पहलगाम में आने के बाद आरू वैली और बेताब वैली। चलो भाई हम लोग पहुँच गए हैं बेताब वैली। एक्चुअली बेताब वैली नीचे है, ये पार्क के नीचे बेताब वैली का ये दिख रहा है यहाँ पर, बट हम लोग जो है व्यू पॉइंट पर आए हैं। ये वैली है यहाँ पर, इस बेताब की जो शूटिंग हुई है ना, ये देखो कितना खूबसूरत है भाई। ये बेसिकली व्यू पॉइंट है यहाँ पर सारा, और ये नीचे पार्क है, ये बेताब वैली, एंड दिस इज बेताब वैली, फॉर्मली नोन एज हुंदन वैली, बट बेताब मूवी की शूटिंग होने के बाद, मूवी हिट होने के बाद इसका नाम पड़ गया था बेताब वैली। तो क्या लग रहा है यार, एकदम ज़बरदस्त। ये नीचे पार्क है अंदर सामने, लेकिन अभी क्या बारिश हो रही है तो नीचे जाएंगे नहीं हम लोग यार। इतनी ठंड हो रही है ना, मतलब मौसम एकदम मतलब बदल गई, एकदम हालात बदल गए, एकदम मौसम एकदम मस्त, एकदम सर्दीला सा मौसम हो गया यहाँ पर अगर, और बारिश और हो गई है तो। हम लोग यार अब जा रहे हैं पहलगाम की तरफ, और पहलगाम से फिर हम लोग जो कैब लेकर आए थे वो कैब में श्रीनगर निकलेंगे, और डिनर वगैरह में भी शायद मैं कवर करूँगा आज का, एंड देन कल हमारी वापसी है दिल्ली के लिए।
सुबह एक्चुअली दोपहर में हमारी फ्लाइट है 2 बजे की, तो चलिए गाइस होप आप लोगों को मजा आया हो। तो अगर पसंद आया ये ब्लॉग तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।